हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बुक ऑफ साइंटिस्ट। तो हम आ गए हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है निकोला टेस्ला के बारे में। निकोला टेस्ला अपने जमाने के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जिसके बिना आज का आधुनिक जीवन संभव नहीं होता। उनकी सोच और उनके इनक्रेडिबल इन्वेंशन की वजह से कई लोग उन्हें मैड साइंटिस्ट भी कहते थे। निकोला टेस्ला के ऐसे ही इनक्रेडिबल इन्वेंशन के लिए आज भी मानव उनके ऋणी हैं। और कई आविष्कार ऐसे भी थे जो उनके साथ ही लुप्त हो गए थे, या फिर कह सकते हैं कि दबा दिए गए थे। तो चलिए, आज हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग इन्वेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना रुकावट के वीडियो शुरू करते हैं। अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो? शायद मेरी वीडियो के बारे में, या तो कुछ और। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1930 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसे मशीन की कल्पना की थी कि जिसमें आप क्या सोच रहे हो उसको तस्वीर में उतारा जा सके। 1933 में उन्होंने कैंसास सिटी जनरल पोस्ट में पत्रकारों को कहा कि 1893 में रिसर्च के दौरान उन्होंने ऐसा खोज निकाला कि दिमाग में चल रहे विचारों की एग्जैक्ट कॉपी हमारे रेटिना पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसको हम डिकोड करके एक सही एपरेटस की मदद से तस्वीर में उतारा जा सकता है। खैर, निकोला टेस्ला थॉट कैमरा नहीं बना सके क्योंकि 1933 में वे थॉट कैमरा पर रिसर्च कर रहे थे, और उसके पहले ही रिसर्च खत्म हो 1943 में उनकी मौत हो गई। लेकिन अब साइंटिस्ट ऐसा कोई इन्वेंशन के बारे में सोच रहे हैं कि जिससे इंसान के विचारों को एल्गोरिदम में ट्रांसलेट किया जाए और फिर उस एल्गोरिदम को डिकोड किया जाए। मगर सोचिए दोस्तों, अगर उनका ये आविष्कार पूरा होता तो आज हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते और हम सभी एक ओपन बुक की तरह होते। 1893 में टेस्ला ने स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर पर पेटेंट प्राप्त किया था, जो अप एंड डाउन मोशन की वजह से वाइब्रेट होता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आप सोच रहे होंगे कि भूकंप पैदा करने वाला आविष्कार उन्होंने कैसे खोज निकाला। तो दोस्तों, निकोला टेस्ला एक बार ऑसिलेटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्होंने गलती से ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को लेबोरेटरी की फ्रीक्वेंसी जितना कर दिया, जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाद में उन्होंने लगातार इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चालू रखा और उन्होंने क्या देखा? आसपास की सारी चीज़ें हिल रही थी, क्रैकिंग साउंड सुनाई दे रहा था, यहाँ तक कि लेबोरेटरी की बिल्डिंग भी हिल रही थी। उन्होंने जल्दी से मशीन बंद करने का प्रयास किया, और जब मशीन बंद नहीं हो रही थी तो उन्होंने मशीन को तोड़ डाला। इतने वक्त में तो वहाँ पुलिस, एम्बुलेंस सब आ चुके थे। उन्होंने तुरंत जाकर अपने कोवर्कर्स को बोल दिया कि अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो कह देना कि ये नेचुरल अर्थक्वेक था। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निकोला टेस्ला के पास ऐसा थॉट पावर था कि जिससे वे किसी भी मशीनरी को बनाने से पहले अपने दिमाग में ही उसको हर पार्ट से अलग करके और बाद में जोड़ के देख सकते हैं। ठीक वैसे ही आज हम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। निकोला टेस्ला को बचपन से ही फ्लाइंग मशीन के विजन आते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल नॉलेज के बेस पर एयरशिप जैसी एक बेमिसाल खोज कर दिखाई। जुलाई 1919 के इश्यू ऑफ रिकंस्ट्रक्शन मैगजीन में सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के बारे में बात की थी, जो पृथ्वी के सरफेस से 8 मील ऊपर उड़ सकता है
उनका मानना था कि अगर किसी भी चीज को हाई इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो उसे लिफ्ट मिलती है। ये सुपरसोनिक एयरशिप सिर्फ 3 घंटे में न्यूयॉर्क से लंदन तक ट्रैवल कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्राउंड पर लगे हुए पावर प्लांट से वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ये एयरशिप काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे ही पटरियों पर चलने वाली ट्रेनों की ऊर्जा की आपूर्ति रेल या तारों के माध्यम से की जाती है। सो गाइस, यह 3 आविष्कार थे जो अगर आज होते तो दुनिया कुछ अलग होती। आज के लिए बस इतना ही। अभी भी उनके इतने सारे बेहतरीन और बेमिसाल आविष्कारों के बारे में जानना बाकी है, जो कि मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। एक ही वीडियो में उनके सारे आविष्कारों को समझाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं इस इन्वेंशन वाले टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन्वेंशन पार्ट 2 को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।